अमेठी सीआरपीएफ द्वारा किया गया वृक्ष मित्रों का सम्मान। अमेठी में दिनांक 25 जुलाई 2020 को आरटीसी सीआरपीएफ द्वारा वृक्ष मित्रों, नेचर्स बैरियर्स एवं मीडिया कर्मी को आरटीसी सीआरपीएफ के कमांडेंट एवं मुख्य अतिथि पूर्ण सिंह धर्मसत्तू ने सम्मानित किया। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा 2020 में देशव्यापी पौधारोपण का कार्य रखा गया था, जिसके तहत अमेठी आरटीसी सीआरपीएफ को भी कुल 31,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसकी शुरुआत आरटीसी अमेठी द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में शुरू करते हुए अपने लक्ष्य को आरटीसी सीआरपीएफ अमेठी ने सफलतापूर्वक 20 जुलाई को प्राप्त कर लिया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम कैंपस के अलावा आसपास के कुल 19 ग्राम पंचायतों में भी इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया, जिससे संबंधित खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधानों ने अपना बहुत ही सुंदर एवं सराहनीय योगदान दिया, जिसको अमेठी आरटीसी सीआरपीएफ ने कराते हुए इन सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने का सुंदर कार्य किया। उप कमांडेंट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस बीमारी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को बहुत ही सीमित रखा गया तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन उप कमांडेंट राजेश सिंह ने किया। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट प्रवेंद्र, गुफरान अहमद, धर्मेंद्र कुमार, विनायक रंजन समेत कई इंस्पेक्टर व जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरटीसी कमांडेंट पूर्ण सिंह धर्मसत्तू ने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को वृक्ष मित्र सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करते हुए कहा। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि की जुबानी। अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। हाँ जी हाँ, काफी अच्छा सवाल है आपका। भारत सरकार के आह्वान पे सीआरपीएफ ने बढ़ चढ़ करके नेशन वाइड जो प्लांटेशन ड्राइव है उसमें हिस्सा लिया। हमारे संस्थान आरटीसी अमेठी ने भी इसमें काफी बड़ी भागीदारी दी है, और उस भागीदारी के लिए जो यहाँ का जनमानस है, स्थानीय गांव के जो निवासी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम लोगों ने उनके सहयोग से ही यहाँ पे 31,250 से ज़्यादा पौधों का रोपण किया। और हमारा उद्देश्य न सिर्फ उन पौधों का रोपण रहा है, बल्कि आने वाले समय में हम लोग अपने ग्रामवासी जो भाई और बहनें हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, उन पौधों का हम संरक्षण भी जारी रखेंगे। सर, मतलब किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, और सर जो आम जनमानस पे है तो उस पर मतलब वृक्षारोपण से क्या असर पड़ेगा, मतलब किस जी आम जनमानस जी? न सिर्फ आम जनमानस बल्कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो MLA हैं मैडम गरिमा सिंह, उन्होंने इसी कैंप में आकर के इस पौधारोपण ड्राइव का, प्लांटेशन ड्राइव का उद्घाटन किया, और जिला परिषद और जिला अमेठी, जिला प्रतापगढ़, जिला सुल्तानपुर के हमारे आसपास के जो ग्राम प्रधान हैं उन सबका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ। 18 ग्राम हमने उसमें चयन किए, 2 जिला परिषद क्षेत्रों के, और बहुत उम्दा उनकी भागीदारी रही। जनमानस के सहयोग से ही हम ये पौधारोपण सफल कर पाए। जी, धन्यवाद।